कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कौन सा बायोमास हम कहते हैं, जो लिग्नोसेल्युलोस मैटर है ना, बेसिकली हम उसको जो है हमने प्री ट्रीटमेंट करना है। किस तरह से करना है कि इस प्रोसेस में हम बेसिकली जो हमारे पास लिग्नोसेल्युलोस मैटर होता है उसको जो है हम उसकी नेटिव फॉर्म से जो है ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस पर जो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती हो। यानी कि हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म से या रॉ फॉर्म से ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के जरिए, जिससे जो है हमारे पास उसमें एंजाइम्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो सके या एंजाइम जो है उसके ऊपर बाद में काम कर सके। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, लाइक फिजिकल मेथड्स भी हो सकते हैं और केमिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में हम लोग बेसिकली ग्राइंडिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, चिपिंग करते हैं, उसका साइज को जो है रिड्यूस करते हैं या उसकी क्रिस्टलिनिटी को जो है वो हम रिड्यूस करते हैं। और केमिकल मेथड्स जो होते हैं हम उसमें जो है हम उनका जो है ना लिंकेज को ब्रेक करते हैं, मतलब जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास लिग्नोसेलुलोस बायोमास होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो बायोमास होता है उसमें सेल वॉल होती है ना, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सेलुलोस, फिर हमारे पास जो होता है लिग्निन और फिर हेमी सेलुलोस। तो ये तीन कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें जो है हमारे पास जो सेलुलोस होता है हमारे पास बेसिकली इसमें ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों ने इस लिंकेज को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो है इसको सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इस तरह हमारे पास जो लिग्निन होता है उसमें हमारे पास जो होते हैं अराइल जो है हमारे पास मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, वो अराइल मोनोमर्स डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास जो हेमीसेलुलोज है उसमें हमारे पास जो है वो भी शुगर जो होती है पेंटोजिस वगैरह होती है। तो इन सबको जो है हम लोगों ने प्री ट्रीटमेंट करके इनके साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं, या फिर हम लोग जो है इनके डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट लाइक बेसिस के साथ, अल्कलीज के साथ, या फिर एसिड्स के साथ, या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ये मेरे ख्याल में आपकी डिस्कशन के बाद अब फिर मेरा काम तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में। हाँ, अब मतलब कहने का ये, आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है चीजों को आपने पढ़ा है, आपने अंडरस्टैंड किया है इसको, है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर सर। हाँ। अच्छा बेटा जी, बात ये है कि ये एक स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ना यस ये? सर, हो रहा है। हाँ, असल में बेटा ये अभी बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन मतलब आप कर रहे थे इसको ना, तो उसमें बेटा वही बात है कि जो बायोमास होता है ना, ठीक है, ये सपोज कर लें कि कोई भी, हम कहते हैं कि सपोज वुड है, डेड प्लांट्स हैं, या जो भी मतलब आप कह लें कॉटन स्टॉक है, वट एवर जो भी है, तो इसमें ना सिंपल हम बायोमास को ना डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको प्रोसेस नहीं करते, ठीक है, तो उसको पहले हम उस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, कि जिसको फिर इजीली आगे प्रोसेस किया जा सके, बेशक वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो, वो गैसिफिकेशन का प्रोसेस हो, वो पायरोलिसिस का प्रोसेस हो, जो भी टेक्निक हमने अप्लाई करनी है, पहले बायोमास को आपने उस फॉर्म में लाना होता है, फिर हम वो टेक्निक अप्लाई करके उसको कंडीशन, जो भी कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, फिर अपनी मर्जी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको तो कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल ठीक है, सपोज कर लें ट्रीज है या लकड़ी के टुकड़े हैं या डेड प्लांट्स हैं, अब जाहिर बात है कि वो, ये अपना वुड है, अब ये एक हार्ड मटेरियल होता है, अब जैसे आपकी स्क्रीन पर आप गौर से देखें, इसके ना जो बायोमास है ना, इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसकी जो आउटर जो सरफेस होती है, जो लेयर होती है, वो बेसिकली लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, कह लें इट इज फॉर्म बाय लिग्निन कह लें। अब लिग्निन क्या है उस तरफ मैं बाद में आता हूँ, वो बस ये सिंपल फिलहाल यही ध्यान रख लें कि ये एरोमेटिक पॉलीमर होता है, एरोमेटिक पॉलीमर क्या होता है भी? एरोमेटिक पॉलीमर होता है। हाँ, आपने फौरन रिस्पॉन्स करना होता है, 1 घंटे तक टाइम ले नहीं लेना होता आपने, ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो है ये, वो बेशक जो है ना वो मेरे साथ रहे, ये बेशक जो रीता है अभी तो आपके साथ रहे, आपने फौरन रिस्पॉन्स करना है, जी उससे सर, मुझे पता लग जाए, उससे मुझे पता लग जाए ना कि ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा सिंपल ये है कि लिग्निन एक एरोमेटिक पॉलीमर होता है, क्या होता है भाई? एरोमेटिक पॉलीमर। हाँ, और ये क्या करता है, ये अंदर जो बायोमास होता है ना, ये उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो अंदर सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, उसको केमिकल वेदरिंग यानी इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स कह लें, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट कह लें,
या डिफरेंट केमिकल के अफेक्ट से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि वो हाइड्रोलाइज या डीके ना हो सके एक बार। अच्छा ये लिग्निन क्या होता है, इसकी तरफ बाद में आते हैं। इसके इंटरनल जरा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वो शो कर रहा है ये सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। वो आपने बड़ा अच्छा बताया कि इसमें थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक लॉन्ग चेन इन्होंने बनाई हुई होती है, लॉन्ग चेन बनाई हुई होती है। ठीक है, जो लॉन्ग चेन बनाई हुई होती है ना, जाहिर बात है तो उसमें ये थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आते हैं, वो उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा ये इसके अंदर मौजूद होता है। हमारा मेन टारगेट बेसिकली क्या है, वो सेलुलोज ही होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने इसी सेलुलोज को आगे प्रोसेस करके आइदर फर्मेंटेशन कह लें, गैसिफिकेशन कह लें, पायरोलिसिस कह लें, हमने इसको अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में या फ्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। तीसरा जो कंपोनेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है हेमी सेलुलोज। ये जो उसने ग्रीन कलर का जो उसने इंटरलिंकिंग या उसका एक थ्री डायमेंशनल जो उसने एक नेटवर्क उसने शो किया हुआ है ना, तो वो बेसिकली ये हेमी सेलुलोज। अब ये हेमी सेलुलोज जो है ये भी होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये डिफरेंट मोनोमर्स का ये पॉलीमर होता है। इसमें फाइव मेंबर्ड रिंग भी होते हैं, सिक्स मेंबर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ना, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई इसके अंदर लिग्निन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है या हेमी सेलुलोज। बल्कि पहले मैं अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये और स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप गौर से देखें। इसमें बेटा अगर आप गौर से देख रहे हैं ना, तो इसमें ये देखें कि वो बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि ना इसमें ना तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो बायोमास है। एक जहाँ ये मेरा एरो है, ये वो कहते हैं हेमी सेलुलोज है। इसमें देखें फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर रिंग्स शो किए गए हैं। सिक्स मेंबर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हेक्सोज कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, वो मैनोज भी हो सकता है। एक ये फाइव मेंबर रिंग होते हैं, ठीक है, ये पेंटोज है, इसमें वो जाइनोज या जो भी आर्बिनोज वगैरह, वो आगे हम उसको देखें। तो ये इसमें फाइव मेंबर रिंग होते हैं, यानी ये मिक्सचर होता है डिफरेंट मोनोमर्स का, ये बेसिकली पॉलीमर। ये राइट साइड पे देखें अगर आप, जो सेलुलोज है ये देखें एक ही लिखा हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये पॉलीमर सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर। क्या कहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। शाबाश। अच्छा और थर्ड जो है ये लिग्निन, ये भी पॉलीमर होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये होता है, ये एरोमेटिक पॉलीमर होते हैं। एरोमेटिक पॉलीमर से मुराद एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, यानी इसके मोनोमर्स होते हैं। और जनरली किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं वो आप कह लें कि देखिए बेटा ये ना फिनोल्स के डेरिवेटिव है, फिनोल्स के। ये अगर यहाँ मेरा एरो है, अगर आप गौर से देखें तो देखें ये एरोमेटिक कार्बन के साथ ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। आपको पता है कि अगर नॉन एरोमेटिक कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो ना, तो वो बेसिकली अल्कोहल होती है। यहाँ एरोमेटिक कार्बन से अटैच है, ये बेसिकली आप कह लें इसको कि ये किस्म का ये फिनोल है। इसमें ना जो मुख्तलिफ किस्म के जो मोनोमर्स होते हैं, ये कंपाउंड आपके सामने हैं, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, डिफरेंट इनके नेम है। ये आपस में इंटरलिंक होकर ना एक लॉन्ग चेन बनाते हैं लिग्निन। अब लिग्निन को सेपरेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो लिग्निन होता है ना बेटा, एक तो अगर हम इसे मतलब ऐड करते हैं, मतलब किसी भी आप कह रहे हैं सॉल्यूशन वगैरह के अंदर, तो लिग्निन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अफेक्ट नहीं होता। इवन बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिग्निन पर अफेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जो बायोमास के इंटरनल अंदर जो मटीरियल होता है ना, वो जब एक्सपोज नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता, उसको फर्मेंटेशन या दूसरी जो टेक्निक अप्लाई करके उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो मेन मकसद है वो यही है, प्री ट्रीटमेंट यही है, जो आपने पहले भी बताया कि
हम इसको डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते, पहले डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोमास के, इनको एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सेपरेट, ठीक है, तो पहले इनको सेपरेट करते हैं, फिर जो सेलुलोज है या हेमी सेलुलोज है उसको इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसको आगे जाके ना प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भी क्या कहा है मैंने, आवाज आ रही है बेटा, जी आवाज क्लियर आ रही है ना, सर, कोई इशू तो सर नहीं है? आपने ये हाँ कहा कोई है कि इशू? हमने जो है जी सर, अच्छा चले बस, सर ठीक है ठीक आपने है यही ठीक है बताया कि बेटा, हम लोगों ने को डिफरेंट कमर्शियल हाँ ठीक है, बताएं बताएं, जो अगर आपको जो समझ आई है, आप वो डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप बता दें, शाबाश शाबाश, ठीक है। सर आपने ये बताया कि जो लिग्नन है ना उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ना इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जो है उसको डिफरेंट प्री ट्रीटमेंट करनी जरूरी है ताकि हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सके, क्योंकि अगर लिग्नन जो है वो पड़ा होगा तो फिर अंदर वाले कंपोनेंट जो है उस पर जो है वो फिर इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो है इसका इफेक्ट जो है खत्म हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा इसमें ना ये बेसिकली ये सेलुलोज क्या है, ये लिग्नेन क्या है, ये हेमी सेलुलोज क्या है, ये मैंने आपको ना वर्ल्ड का एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया, ठीक है। वैसे भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वो जरा शेयर करवा के एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के रीड आउट करके आपको समझा भी देता हूँ, बाकी उसको आप बाद में खुद ही पढ़ लेंगे ना, तो वो आप उसको इजीली आप उसे अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि सेलुलोज क्या होता है, लिग्नेन, हेमी सेलुलोज, बाकी जो स्ट्रक्चर है ना सेलुलोज की किस तरह से होती है, वो आप इंटरनेट पे भी इमेजेस देख सकते हैं कि वो लिंकेज किस तरह से होती है। वो लिंकेज की तरफ हमने नहीं जाना, हमें उससे कंसर्न ही नहीं, हमारा जो टॉपिक या फोकस है ना वो उससे क्या है, वो डिफरेंट है। हमारा फोकस फोकस बेसिकली ये है कि बायोमास को हमने मतलब जो है कि वो प्री ट्रीटमेंट के बाद डिफरेंट टेक्निक्स सप्लाई करके हमने उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल इतना है। अच्छा अब मैं आपके साथ ना जरा मैं पहले ये शेयर करवा रहा हूँ बेटा कि मतलब जो है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया होगा, ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जी, आप स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहे हैं आपको? यस सर, हाँ अब देखिए ये आप स्क्रीन के ऊपर ना देखें, ये देखिए लिखा हुआ सिंपल है सेलुलोज, ठीक है, टिपिकल बायोमास कंपोनेंट्स, यानी जो जनरली जो बायोमास होता है ना, बेशक ट्रीज है, डेड प्लांट्स है, ग्रास है, कुछ भी है, उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो यही है सेलुलोज। अब देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, आप कहने के हमारे पास ना इसको बस, हाँ ठीक है, या ये नजर ठीक आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? यस सर, ठीक है, तो कह रहे सेलुलोज क्या है, ये पॉलीसेक्राइड होता है, यानी ये आप कह रहे हैं कि पॉली मींस मेनी, सेक्राइड का मतलब होता है यूनिट्स, यानी ऐसे पॉलीमर्स कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मौजूद हैं, और ये क्या है, इनमें डी ग्लूकोज इज लिंक्ड, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जनरल फार्मूला जो है वो C6H12O6, वैसे यहाँ होना चाहिए C6H10O5 होना चाहिए, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं ना, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है बाहर, तो वो कहता है कि भाई इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन बेसिकली वो पॉलीमर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा होता है, और यही कह रहा है कि इसमें हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। वो आगे भी यही कह रहे हैं कि जब हम इस सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही तरह के मोनोमर्स या मॉलिक्यूल्स हमें हासिल होते हैं जिनको हम कहते हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनको फर्मेंट करके हम इजीली अल्कोहल्स में डिफरेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है बेटा? यस सर, अच्छा ठीक है, अच्छा अब जो है और आगे चलते हैं, बल्कि आगे चलने से पहले किसी स्टूडेंट को साथ ले लेते हैं। हाँ भैया, रोल नंबर 20, आवाज आ रही है रोल नंबर 20 को? हाँ जी, ये बेटा क्या मैंने बताया अभी ये सेलुलोज के मुतालिक, थोड़ा सा आप बताए ना कि भाई आपको क्या समझ में आई है। सर आपने कहा है कि सेलुलोज जो है ना वो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमीन मैनी सेक्राइड्स मीन शुगर होते हैं इसमें, मतलब ये पॉलीमर होता है बहुत सारे शुगर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं, और इसका वेरी फॉर्मूला ये गुड, सिक्स C6H12O6, तो आपने कहा है कि यहाँ पे आना चाहिए कि C6H12O5 बेसिकली आना चाहिए। C6H10O5, H10, ओके सर, ठीक आगे ठीक चल, ठीक आगे चल।
ओके सर, आगे लिखा हुआ के सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करवाए ना, टोटल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज, तो वो डी ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है, मोनो मीन एक शुगर, मतलब एक यूनिट होगा इसका, तो वो इससे यील्ड होती है। और ठीक वहाँ है ठीक है सर, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है अच्छा, आगे बेटा है हमारे पास ना हेमी सेलुलोज। अब हेमी सेलुलोज में ना वो यही कहते हैं कि ये 5 मेंबर यानी 5 कार्बन मोनोसेकराइड, इसमें ज्यादातर जो होते हैं ना वो 5 मेंबर इसमें रिंग होते हैं। ज्यादातर किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ये डीजाइलोज यानी जाइलोज है या आल्बिनोज है, कुछ 6 मेंबर रिंग भी होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज है, ये लिखा हुआ डी ग्लूकोज यहाँ एरो है मेरा, गैलेक्टोज है, मैनोज है, तो इस तरह के यानी ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स का ये मिक्सचर होता है, और ये भी पॉलीमर होता है बेसिकली। इनका जनरल फार्मूला वो कहता है ये C5H8O4, ठीक है, और इसमें वो कहता है कि भाई 50 to 200 तक जो मोनोमर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी सेलुलोज की तरह हम इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, और मतलब कहने का ये है कि उसके नतीजे में ये ग्लूको यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं ये मोनोमर है यानी शुगर यूनिट्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। आगे वो कहता है कि भाई इसको आसानी से अल्कलाइन सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको डिजोल्व कर सकते हैं, यानी अगर हमें इसको सेपरेट करना हो तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अल्कलाइन सोल्यूशन में ऐड करें, तो जो हेमी सेलुलोज होता है उसमें डिजोल्व हो जाता है, बाकी वो इनसॉल्युबल रह जाएंगे। तो वो कहने का उसका मकसद ये है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि भैया आप? यस ठीक है अच्छा, आगे थोड़ा सा और मैं मजीद आगे चला जाता हूँ। अब ये ड्रैग ना, अभी हमारे लिगनेन है, लिगनेन का मैंने वही आपको बता दिया, बस मेन में वही जो हमने मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई है कि भाई एरोमेटिक पॉलीमर होता है, ग्लू ये फिनोल के मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर होता है, एक कॉम्पैक्ट एक 3 डायमेंशनल इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बायोमास को, ठीक है, तो यही बातें जो मेन मेनर यहीं पे लिखी है। और मतलब ये जो कंपाउंड हुज कंपोनेंट यूनिट्स आर, ये फिनाइल प्रोपेन इसके डेरिवेटिव होते हैं, कोई और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, वो कहते हैं स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, 3 डायमेंशनल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल्स का उस पर अफेक्ट नहीं होता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड, वही बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमने बायोमास को प्रोसेस करना है तो लिग्नेन को सेपरेट करना जरूरी होता है, ठीक होगी बात? जी सर, हाँ, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, इसकी बेटा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको स्लाइड के अंदर मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ये पॉलीमर होता है। अच्छा, आगे स्टार्च है, स्टार्च भी बेसिकली ये भी आपको पता है पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स होते हैं, और ये आपको पता है कि भाई ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, और इसमें बाकी चीजें आपको पता ही है कि भाई कंपैरेटिवली इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हाई होता है। अच्छा एक बात, और इसमें आपको पता है कि आप इसको एफएससी में भी पढ़ा होगा कि स्टार्च के अंदर भी 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक आई थिंक अमाइलोपेक्टिन होता है मेरे ख्याल में, इसमें यस सर, दो, हाँ 2 तरह के इसके अंदर पॉलीमर्स होते हैं, तो एक के अंदर वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, एक के अंदर ब्रांच चेन, ये एफएससी में चीजें लिखी हुई है, और यहाँ पर ये लिखी हुई है कि अमाइलोज ये 10 to 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये 80 to 90% होता है, ब्रांच चेन, मैं इसको सिंपली आपने इसको पढ़ लेना है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जी सर, हाँ, ये मैंने आपको, ये जो मैंने आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखाया ना, इसका मकसद बेसिकली यही था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, स्टार्च, ये बेसिकली होता क्या है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्या लिखा आप ए बायोमास, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स के मतलब जो ये क्योंकि मटेरियल हमने ना किसी रिसर्च पेपर से हमने इसको लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली जो है ना कि ये जो हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये बेसिकली इसका मकसद क्या होता है। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि भाई ओवरकमिंग द रिकेल्सी ट्रेंस कहने यानी रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट सेल वॉल्स टू डीकंस्ट्रक्ट ऑफ लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास, यानी ये जो बायोमास होता है ना, जो लकड़ी है, तो ये आसानी से आपको पता है कि ये डिजोल्व वगैरह नहीं होती, तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो एक रेजिस्टेंस डिवेलप करती है,
तो उसको हम क्या करते हैं, यानी आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल उस पर अफेक्ट नहीं कर सकते। तो हम वो यही करते हैं कि ये मतलब ये प्री ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस करते हैं उसमें यही काम करना होता है कि हमने इसको ना डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट आउट करना होता है। ठीक है, तो आगे वो यही उसमें कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कि हम क्यों करते हैं, ताकि इसको हम डिफरेंट फ्यूल या केमिकल्स में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो आगे भी वो कहते हैं द रिकैल्सिट्रेंस इज ड्यू टू द हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी वो जो बायोमास है ना, वो जो एक रेजिस्टेंस मतलब वो जो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसकी, आसानी से केमिकल वगैरह उस पर अफेक्ट नहीं हो सकते, उसकी मेन स्ट्रक्चर वजह वो यही बता रहे हैं कि इसमें असल में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है सेलुलोज की, विच इज इम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ पॉलीमर लिग्नेन एंड हेमिसेलुलोज, यानी ये तमाम जो पॉलीमर्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बेसिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर एक बनी हुई होती है, कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बनी हुई। ठीक है, तो वो कहते हैं द मेन गोल ऑफ प्री ट्रीटमेंट इज टू ओवरकम दिस रिकैल्सिट्रेंस, बिकॉज़ हमें इसको सेपरेट करना है, टू सेपरेट द सेलुलोज, यानी सेलुलोज को सेपरेट करना है डिफरेंट किस्म के पॉलीमर से, यानी लिग्नन से, हेमी सेलुलोज से, ताकि हम उसको इजीली, जैसा शुरू में रीता अमीन ने कहा कि ताकि हम अगर हमने अगर उसको कोई एंजाइम पाइरोलिसिस करवानी है या गैसिफिकेशन पाइरोलिसिस जो भी है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले तीनों कंपोनेंट्स को क्या कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए भाई? सेपरेट कर लिया। शाबाश। अच्छा, अब इसमें बेटा मतलब वही बात, अब बेटा थोड़ा सा मैं वापस उसकी तरफ आ जाता हूँ जो हमारे पास स्लाइड दिए थे, अभी हम ये इसी को वर्ड डॉक्यूमेंट को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा वो कहता है कि गोल्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट, अब गोल्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट में यही बात आ जाती है कि पहला यही है कि टिपिकल वो कहता है गोल्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट इंक्लूड, अब जो डिफरेंट इसके जो पर्पसेस हैं वो यहाँ पे चार पांच लिखे हुए हैं। पहला यही है प्रोडक्शन ऑफ हाईली डाइजेस्टिबल सॉलिड दैट एनहांसेस शुगर यील्ड ड्यूरिंग एंजाइम हाइड्रोलिसिस, यानी यही होगा ना कि जब हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं मकसद यही है तीनों कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट किया जाए, और फिर उसमें जो सेलुलोज या हेमी सेलुलोज है जब उसको प्रोसेस करें ताकि वो आसानी से हमारे सोल्यूशन में डाइजेस्ट हो जाए, डिजोल्व हो जाए, उसकी आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाए, ताकि उसके नतीजे में शुगर यूनिट्स प्रोड्यूस हो जिसको इजीली फर्मेंट करके हम ना फ्यूल में अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट कर सके। सेकेंडली कहता है जी अवॉइडिंग द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, ठीक है, तो वो कहता है जी कि भाई इंक्लूडिंग दोज ड्राइव फ्रॉम हेमी सेलुलोज, इसको जो हेमी सेलुलोज से जो हमें हासिल होते हैं उसकी डिग्रेडेशन थोड़ा हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। आगे मिनिमाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ इनहिबिटर्स, जो इनहिबिटर्स वगैरह हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। रिकवरी ऑफ लिग्निन फॉर कन्वर्जन इनटू वैल्यूएबल को प्रोडक्ट्स, यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि जो लिग्निन है ना इसको हमने क्या करना है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज से सेपरेट करना है, और फिर लिग्निन को भी डीकम्पोज करके डिग्रेड करके उसको भी यूजफुल प्रोडक्ट्स में, हमें साइड प्रोडक्ट कह लें या को प्रोडक्ट्स कह लें, उनमें हमने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आगे फिर वो कह रहा है टू बी कॉस्ट इफेक्टिव बाय ऑपरेटिंग इन रिएक्टर, फिर उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेस, ये सिंपल चीजें हैं जो आपने इसको पढ़ ली है। ठीक है, अच्छा आगे वो कहते हैं प्री ट्रीटमेंट कैटेगरीज है, फिजिकल प्री ट्रीटमेंट होती है, एक होती है केमिकल प्री ट्रीटमेंट होती है। क्या कहा है मैंने? सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट होती है, केमिकल प्री ट्रीटमेंट होती है, कैटेगरीज होती है हाँ, इसकी। आप जो फिजिकल प्री ट्रीटमेंट है ना, ये बेसिकली यही है कि आप किसी बायोमास को लाते हैं, सपोज लकड़ी है, वुड है, या जो भी कॉटन स्टॉक है, व्हाटएवर जो भी है, सबसे पहला काम यही होगा बेटा आप उसको वॉश करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं उसको ना डिफरेंट स्मॉलर पीसीज में आपने क्या करना है, उसे कट करना है, क्रश करना है, कट करना है, फिर आपने उसको ग्राइंड करना है, उसको मैक्सिमम ग्राइंडिंग करनी है। मैक्सिमम जो ग्राइंड इसलिए करना है ताकि वो जो आपका मटेरियल है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो, और जितना स्मॉलर पार्टिकल्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है आप उसे कर लें, क्योंकि जितना वो ज्यादा स्मॉलर साइज में पार्टिकल साइज जितना स्मॉलर होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आगे जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे किसी भी केमिकल्स के साथ, आप उसे प्रोसेस करवाएंगे तो इजीली क्या होगा, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, इजीली प्रोसेस भी हो जाएगा। हाँ भाई, ये जो हमारे स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर रोल नंबर 006 है, आवाज आ रही है बेटा आपको?
यस सर। हाँ ये मैंने अभी क्या बताया कि फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं? सर फिजिकल ट्रीटमेंट में हम इसका ना साइज रिड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, ताकि जब ये रिड्यूस हो जाए एंजाइम के साथ रिएक्शन वगैरह करे तो रिएक्शन अच्छा हो जाते हैं और इजीली हम इसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब आगे जो है ना, थोड़ा सा और आगे चले, आगे वो कहते हैं केमिकल प्री ट्रीटमेंट है, केमिकल, ठीक है। अच्छा केमिकल जो प्री ट्रीटमेंट है हमारे पास, इसमें डिफरेंट प्री ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले वो यही कहता है कि हमारे पास ना कि हम अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, वो कहता है कि जैसा कि नाम नाम से देखें अल्कलाइन मीन्स कोई अल्कली यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज करते हैं। वो जो बेसिस हैं वो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम अमोनियम की वो जो हाइड्रोक्साइड है उनको यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एस्टर एंड ग्लाइकोसाइडिक चेन। देखिए इसमें ना बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हम कहते हैं पॉलीमर्स होते हैं ना, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होती है और इसमें एस्टर लिंकेजेस भी होती है, एस्टर, ठीक है। तो वो बेसिकली इनके दरमियान भी मतलब आप कह लें, और मतलब आप कह लें कि इसी तरीके से जो हमारे पास ये जो लिगनेंट वगैरह होता है उनमें भी ये ना एस्टर लिंकेजेस होती है। तो वो कहता है कि सबसे पहले जो है ये जो लिगनेंट के अंदर जो एस्टर लिंकेजेस हैं उनको भी किसी हद तक क्या करता है, ये ब्रेक करता है, और डिफरेंट सेलुलोज हैवी सेलुलोज अगर इनके दरमियान कुछ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं उनको भी ये बेसिकली क्या करता है, वो ब्रेक करता है। अच्छा आगे क्या कहता है कि भाई रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चरल अल्टरेशन ऑफ लिगनेंट, लिगनेंट की स्ट्रक्चर में क्या थोड़ी अल्टरेशन आती है, सेलुलोज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है ना वो फूलना कहने का, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन उसके अंदर केमिकल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पार्शियल डिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ये थोड़ी बहुत मतलब आप कह लें कि सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस या उसकी दूसरे जो कंपाउंड है सेलुलोज की लिगनेंट के साथ जो बॉन्डिंग है, सेलुलोज की हेमी सेलुलोज के साथ जो बॉन्डिंग है, थोड़ा सा वो भी क्या होती है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है। एंड पार्शियल सॉल्वेशन ऑफ हेमी सेलुलोज, भी थोड़ा बहुत हेमी सेलुलोज जो है वो इसमें क्या होता है, वो डिजॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाता है। आगे कहते हैं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर मेनी इयर्स, बहुत अरसे तक इसको स्टडी किया गया इसके इफेक्ट को, एंड इट हैज बीन शोन टू डिस्टर्ब द लिगनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमास। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिकली जो अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट है ना, ये क्या करती है, ये जो लिगनेन है ये उसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देती है। जब उसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देगी तो जाहिर सी बात है कि उसके नतीजे में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, कि मींस वो लिगनेन उनकी आउटर सर्फेस से क्या होता है, वो सिंपल वो हट जाते हैं। अच्छा आगे वो एंजाइम जो भी चीजें हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं सेलुलोज हेमी सेलुलोज तक। अच्छा आगे कहते हैं another alkali that has been used for the pre-treatment of वो lime है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम basically इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो lignocellulosic feedstock that have been shown, भाई आगे वही कह रहे हैं, यानी ये alkaline pre-treatment में क्या होता है, आप यूँ समझ लें कि हम जो lignin होता है ना उसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। lignin को क्या करते हैं भाई, आसानी से separate out, हाँ ये असल में जो strong base होती है ना, strong base, ठीक है। आपने पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब इसको शायद पढ़ा हो, या अगर आपको अगर याद आ रहा है सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है ना उसमें आई थिंक 11वां चैप्टर है अल्कोहल्स वाला, फिनोल्स वाला, ईथर्स वाला। अच्छा उसके अंदर जो है वो अगर आप फिनोल्स के रिएक्शन को देखें ना, फिनोल्स के रिएक्शन को, तो उसमें लिखा हुआ है कि फिनोल्स को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं तो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट। अब असल में हम बैठे ऑनलाइन है तो वो पॉसिबल इस तरह नहीं है, वरना वो रिएक्शन लिख के बोर्ड पे आपको समझा देता, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने बेशक वो एफएससी की बुक में भी जाके देख लें आपको नजर आ जाएगा। तो वो अल्कोहल के ओएच के साथ ना वो सोडियम एटम जो है वो अटैच हो जाता है, वो नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन जाता है। जब ये सॉल्ट बनता है ना तो जो लिग्निन है वो सॉल्ट आउट हो जाता है, सॉल्ट आउट, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, मींस के जो लिग्निन है उसको हम सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? यस सर। आप थोड़ा सा बताएं कि ये आपको रीता अमीन क्या समझ में आया, थोड़ा बताएं सर। इसमें अभी जो बात आपने की है वो यही की है कि हमारे पास जो लिग्निन होता है इसमें बेसिकली हमें उसको सेपरेट आउट करना होता है। तो लिग्निन बेस के साथ किस तरह से सेपरेट आउट होता है, जब भी हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फिनोल है तो उसका अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास उसमें ना सॉल्ट बन जाता है, तो लिग्निन इस तरह से सॉल्ट आउट हो जाता है, तो फिर हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। यानी वो एक रिएक्शन टाइप होता है क्योंकि वो फिनोलिक कंपाउंड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनका एक किस्म का आपस में ना केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो रिजल्टेंट ही उसका एक किस्म का रेस्पेक्टिव साल्ट बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ से ना आप एक बात ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्कलाइन फ्री ट्रीटमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि इसके नतीजे में आप क्या करते हैं कि आप बायोमास में से जो लिग्निन है ना उसको सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पहला ये है। अच्छा, आगे आप देखिए कि आगे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये वेट ऑक्सीडेशन की तरफ बाद में आएंगे, हम पहले एसिड फ्री ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। हाँ भाई, अब ये जो एसिड फ्री ट्रीटमेंट है ना बेटा, इसमें वो कहता है कि भाई यानी सिंपल आपने उसको बेशक बात पढ़ भी लेना है, वो कहता है कि इसके अंदर ना डिफरेंट हम इसमें एसिड्स हम इस्तेमाल करते हैं, एसिड्स फॉर एग्जाम्पल वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी है, फॉस्फोरिक एसिड, HCl, इस तरह की हम चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, which has been commercially used to pre-treat a wide variety of biomass types. जैसे ग्रास ग्रास हो सकता है, कॉर्क है, सॉफ्ट वुड है, पोपलर, ये डिफरेंट किस्म की लकड़ियाँ हैं। अच्छा, वो इसमें आगे यही कह रहा है कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड has traditionally been used to manufacture a furfuralic compound produce होता है hydrolysis के नतीजे में। तो वो कहते हैं हेमी, यानी ये जो एसिड होता है जब एड करते हैं तो ये हेमी सेलुलोज की क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या कहा है मैंने सर? आपने कहा है कि ये एसिड जो हेमी सेलुलोज की जो है वो हाइड्रोलिसिस करे, ठीक है, यानी ये इससे क्या होता है कि बेसिकली हेमी सेलुलोज ना उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। यानी आगे भी वो यही कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिमूव हेमी सेलुलोज, ये एसिड जो होता है वो उसको डिसॉल्व कर लेता है हेमी सेलुलोज को, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कहते हैं कि भाई पिछले स्टेप में लिग्निन अलहदा हो गया, एसिड प्री ट्रीटमेंट में हेमी सेलुलोज अलहदा हो जाता है, उसके बाद हमारे पास मेन जो आप कहने वो हमारे पास क्या होता है, वो सेलुलोज बच जाता है। क्या बच जाते हैं भाई? सेलुलोज बच जाता है। हाँ, तो ये यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एसिड प्री ट्रीटमेंट जो है इसमें रिमूवल ऑफ हेमी सेलुलोज होता है, फॉलोड बाई अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट जिसमें लिग्निन को सेपरेट करते हैं, विच रिजल्ट्स इन relatively pure cellulose. ये वो तीन components जो हैं, ये दो pre-treatments करके हम step by step, पहले step में लिग्निन अलहदा, acid pre-treatment में hemicellulose separate हो जाता है, बाकी cellulose बच जाता है, hemicellulose को अलहदा हम process कर सकते हैं, cellulose को अलहदा process कर सकते हैं, और जो हमारे पास lignin है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलहदा process कर सकते हैं। तो इन processes की मदद से हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो बायोमास के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। और भाई समझ आई है? यस सर, यस सर, अल्लाह खैर ही करे। हैं नहीं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ, मसला ये है ना, आप स्टूडेंट्स को ये कहते हैं सर समझ तो आ जाता है, मसला ये बाद में याद भी तो करना होता है ना। ये जो आप एक बड़ा सबसे बड़ा इशू है ना, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि भाई इस चीज का कोई हल नहीं है, यानी इसका कोई सलूशन नहीं है, तो मीन्स ये तो फिर आप मजबूरी है, आपने मेहनत तो आपकी इंशाल्लाह करनी पड़ेगी। बाहर अच्छा ये ना, अच्छा वैसे ना डिफरेंट और भी मेथड्स हैं, वैसे मेरे ख्याल में इफेक्टिव जो मेथड्स हैं अल्कलाइन और प्री ट्रीटमेंट और एसिड प्री ट्रीटमेंट के बाद हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ उसने थोड़ी डिटेल बताई हुई है कि जो वेट ऑक्सीडेशन मेथड है इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं कि ये प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस हम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें कहते हैं जी कि वेट ऑक्सीडेशन जो है ना, इसमें हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडेंट, यानी एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं फॉर कंपाउंड टू डिसॉल्व, यानी उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो कहते हैं देयर आर टू रिएक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी वेट ऑक्सीडेशन में, यानी ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी जिसमें
जो एयर होती है ना, एयर, इसको भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वजह ये होती है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, यानी O2 कह लें आप, मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन होती है, ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लें या ऑक्सीडेंट के तौर पर, ऑक्सीडाइजर के तौर पर एक्ट करती है। अभी क्या कहा है मैंने? सर आपने ये बताया कि यहाँ पे जो वेक्ट ऑक्सीडेशन है इसमें हम ऑक्सीडाइजर जो यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, तो जो एयर होती है उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है वो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जिसको हम ऑक्सीडाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली टू रिएक्शंस होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। वो यहाँ कहते हैं कि अगर लो टेम्परेचर पे करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, यानी वो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वगैरह को भी इजीली ब्रेक कर सकती है। आगे वो कहते हैं कि वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना हो ना, तो पहला इसमें क्या करते हैं, तो वही बात है कि बायोमास को ड्राई करेंगे, ग्राइंड वगैरह करेंगे, और इसको पार्टिकल साइज 2 मिलीमीटर, यानी इतना स्मॉल कर देंगे कि पार्टिकल से 2 मिलीमीटर तक हम उसको ले आते हैं। अच्छा, रेशो क्या रखते हैं, अगर अगेंस्ट 6 ग्राम बायोमास, फॉर एवरी 6 ग्राम बायोमास हम 1 लीटर उसमें एटलीस्ट क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, यानी उसको बेसिकली हमने आगे डाइजेस्ट करना है, जो भी करना है। इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, ठीक है, फिर एयर को पंप करते हैं इसके अंदर, उस कंटेनर का जो प्रेशर रखा जाता है 12 bar होता है, टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं, 195 डिग्री या 200, 10 to 20 मिनट तक हीट करते हैं, 10 to 20 मिनट। तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि वेट ऑक्सीडेशन कैन बी यूज्ड टू फ्रेशनेट लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल। वो क्या करता है कि ये सेपरेट आउट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, हेमी सेलुलोज को इजीली अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, वो कहता है कि मटेरियल बाय सॉल्युबलाइजिंग हेमी सेलुलोज एंड रिमूविंग लिग्निन, यानी सेलुलोज को वो डिसॉल्व कर लेगा, लिग्निन इनसॉल्युबल हो जाएगा, जिसको बाद में अलग आसानी से आप क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। आज वो कह रहा है इट हैज बीन शोन, ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, इससे हमने कौन कौन सा बायोमास वो नाम लिखे हुए वो आपने पढ़ लेने हैं, वीट स्ट्रॉ है, शुगर केन बगास है, वगैरह वगैरह। वो कहता है ये प्रोसेस हम कर चुके हैं इस वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हो गए बेटा इसमें। अच्छा, चौथा इसमें जो है हमारे पास है ना, आगे वो कहता है ग्रीन सॉल्वेंट्स वाला हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये इस तरह ग्रीन सॉल्वेंट वाला जो प्रोसेस है, इसको मतलब जो है कि वो आपने इसको, और स्टीम हमारे पास जो एक्सप्लोजन मेथड है, इसको आपने इसी तरीके से खुद ही पढ़ लेते हैं इसको। अगर इसमें कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर मैं आपको उसके अंदर वो क्या करूँगा, मैं आपको समझा दूंगा उसके अंदर। समझ आ रही है बात? जी सर। आइए नहीं, चले मैं थोड़ा सा आइडिया में दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं समझ ऊपर से मैं आपको थोड़ा आइडिया में दे देता हूँ। मतलब ग्रीन सॉल्वेंट्स जो है वो क्या, प्रोसेसिंग ऑफ लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास विद आयनिक लिक्विड्स and other solvents has gained importance in the, well, पिछले कुछ अरसे में ना ये जो ग्रीन सॉल्वेंट वाला मेथड है, ये आयनिक लिक्विड्स वाला, ये आयनिक लिक्विड्स वाला यही होता है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सॉल्ट वगैरह भी ऐड कर देते हैं, सॉल्ट वगैरह, ठीक है, और ऐसे हम लिक्विड्स लेते हैं बेसिकली जो ऐसे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो कि जो आयोनाइज भी हो जाए अंदर ना, कि डिफरेंट किस्म के आयंस भी प्रोड्यूस कर दे, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। केटाइंस भी होते हैं, जो केटाइन होते हैं वो एक किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपके लिए विच एग्जिस्ट एज लिक्विड्स, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं लो टेम्परेचर पर, और इनका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। अच्छा, अब इसमें वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ द एनायन एंड केटाइन कैन बी ट्यून्ड टू जनरेट अ वाइड वैरायटी ऑफ लिक्विड्स विच कैन डिसॉल्व अ नंबर ऑफ बायोमास कंपोनेंट्स। वो कहते हैं कि ये जो होता है ना, बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसके अंदर हम ऐड करते हैं जब डिफरेंट किस्म के बायोमास को, तो वो क्या करता है, बायोमास को अपने अंदर क्या करता है, वो डिसॉल्व कर लेता है। यही बात कहते हैं ना कि भाई वी कैन डिसॉल्व अ नंबर ऑफ बायोमास पाइप्स, यानी कॉर्न है, कॉटन है, बगास है, स्वीट ग्रास है, वुड है, वो हार्ड अगर वुड है उसको अपने अंदर क्या करता है, वो डिसॉल्व कर लेता है। द लो वेपर प्रेशर ऑफ आयनिक लिक्विड्स एंड सिमिलर सॉल्वेंट्स मेक देम मोर देन 90% रिकवरेबल इन अ मैनर ऑफ ऑपरेशंस।
thus reducing alkali cost of solvent usage since no toxic products are formed during the pre-treatment. इसमें वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अब जरा सुने बात, आपने ना अगर आप चूंकि ये शुक्र है कि आप में मतलब एक क्लास ऐसी भी है जो ऑर्गेनिक मतलब क्लास स्पेशलाइजेशन की, देखिए जिस तरह ये ईथर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, आपने कभी जिस तरह आपने पढ़ा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक मेथड पढ़ा है, आपने कभी पढ़ा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड, बताया जरा। Yes, sir. हाँ, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड ये होता है कि अगर सपोज कह लें कि कोई एक लिक्विड है, सपोज कह लें कि हमारे पास कोई एक किस्म का एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें कोई कंपाउंड मौजूद है, आपने उस एक्वा सॉल्यूशन में से उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है, क्या कहा है मैंने? सर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर कोई कंपाउंड मौजूद है, तो हमने उस सॉल्वेंट में से कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन है, सपोज हम उसमें से उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट में सपोज ईथर को डाल देते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सॉल्वेंट को ऐड करेंगे जो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स ना हो और ईथर के अंदर हमारा कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल भी हो। वो आपको अगर याद हो एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं एफएससी के, उसमें फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें फिर ये करते हैं कि हम सिंपल ना कि वो ईथर डाल देंगे, शेक करेंगे, वो आपका कंपाउंड ईथर में डिसॉल्व हो जाता है, ज्यादातर जो कंपाउंड है वो ईथर में डिसॉल्व हो जाता है। फिर ना हम दोनों सॉल्वेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन अलग हो जाता है, ईथर अलग हो जाता है। अब ईथर जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एयर के अंदर इवेपोरेट कर लेते हैं। जब आप एयर के अंदर इवेपोरेट करेंगे, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, जो कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ था, जो कंपाउंड उसमें सॉल्युबलाइज हुआ हुआ था, वो क्या होगा, दैट विल बी लेफ्ट, आप कह लें कि भाई ऑन द, आप कह लें कि वो चाइना डिश है या जो भी आपके पास वो बर्तन है, तो सॉल्वेंट सारा इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्यूट पीछे बच जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड को उस एक्वा सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट, यहां उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं। अभी क्या समझ आइए बताएं जरा। अभी ये जो रीता अमीन है बताएं आप जरा, ठीक है जी सर। सर इसमें आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड बताया कि कैसे हमने जो है सबसे पहले एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें कोई कंपाउंड डिसॉल्व है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो है उसको सेपरेट आउट करना है। तो हम लोग इथर लेंगे, इथर को जो है एज अ सॉल्वेंट लेंगे, तो हम उसके अंदर डालेंगे। अब ये जो इथर है वो दूसरे वाले सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्वेबल नहीं होगा, ये कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा। उसके बाद हमने इथर को जो है इवेपोरेट कर देना है, और जो हमारे पास सॉल्यूट है वो बाकी बच जाएगा चाइना डिश में, एयर इवेपोरेट कर देंगे तो इथर जो है वो इवेपोरेट आउट हो जाएगा, और बाकी जो सॉल्यूट है जो हमने सेपरेट आउट करना था वो हमारे पास बच जाएगा। देखिए ये भी उसी से ना मिलता जुलता प्रोसेस है, यानी उसी तरह का ना, मिसाल के तौर पर देखें आपका बायोमास है, सपोज कर ले उसमें कंपाउंड लिग्नेट है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, आप उसमें ग्रीन सॉल्वेंट्स डाल देते हैं, सपोज कर ले कि उसमें यानी ऐसे आप उसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं जिसमें सपोज कर ले जिसमें सेलुलोज उसमें हाईली सॉल्युबल है, अब क्या होगा, अब उसमें सेलुलोज सॉल्युबलाइज हो जाएगा, बाकी चीजें क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। अब जब हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को हम सेपरेट करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो आप उसे ओपन एयर में रखेंगे, वो फॉरन सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे सारा क्या बच जाएगा, आपका सेलुलोज बच जाएगा। फिर उस सेलुलोज को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करके आप जो भी फर्मेंटेशन करनी है जो भी, तो वो कहते हैं इस तरह से ग्रीन सॉल्वेंट्स को, यानी इसमें ना कोई हीट कर देंगे, ना कोई केमिकल्स का इसमें कोई चक्कर है, आसानी से हम उन सॉल्वेंट्स को यूज करके ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या कहा है मैंने? सर इसमें आपने यही बताया कि मतलब जैसे हमारे पास जो सेलुलोज वगैरह है उसको हमें सेपरेट करना है, तो हम उसको भी ये ग्रीन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे, और जो है जो सेलुलोज है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो इजीली हम लोग जो है उसको बाद में एयर के अंदर रख के उसका सॉल्वेंट को सेपरेट इवेपोरेट कर देंगे, तो इजी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी हीट वगैरह या इस तरह का कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो आसानी से ये काम। अब बात समझ में आ रही है ना बाकी जो स्टूडेंट्स हैं? हां भाई, ये जो रोल में 64 है, भाई को पल्ले पड़ रही है बात? यस सर, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ये मतलब इस तरह से आपने इसको, आपने मतलब ग्रीन सॉल्वेंट्स को इस तरह से आपने क्या करना है यार, बाकी एक मेथड है स्टीम एक्सप्लोजन वाला, उसको आपने खुद ही इसी तरह से पढ़ लेना है,
आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा हमारे पास, वो उसको हम थोड़ा, अब ये प्री ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, सपोज आप वो है बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। यानी आप फर्मेंटेशन के जरिए क्या करना चाहते हैं, आप फर्मेंटेशन के जरिए ना सपोज करने के बायो में उसको फर्मेंट करके अल्कोहल्स में या इस तरह के फ्यूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें हमारे पास जो है कि मिसाल के तौर पर एक मिनट बेटा, अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा बेटा, ये जो है ये आप देखिए, ये बायोमास जो है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास ना, ये देखिए, ये बायोमास को हम यहाँ पे तीन डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे हैं कि जो बायोमास होता है कि उसको ना हम किस तरह से डिफरेंट मेथड्स के जरिए ना हम इसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंबशन का ठीक है, ये तो एक सेपरेट है, ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, ये गैसिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये पाइरोलिसिस बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन। ये बायोकेमिकल कन्वर्जन में एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एक होता है एनएरोबिक डाइजेशन का। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है ये तो आपको थोड़ा है ना आइडिया इसका? यस बेसिकली आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको ये बायोकेमिकल कन्वर्जन? यस सर। हाँ, तो अब ये बायोकेमिकल जो कर रही है, यानी इसमें हमने क्या करना है, ना कोई हीट करना है, ठीक है, तो ना इसमें हमने कोई मतलब कुछ डिफरेंट किस्म के कैटलिस्ट इसमें को डालने हैं। इसमें हमने ये करना है कि भाई हमने ना बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, इनके जरिए हमने क्या करना है, बायोमास को ना हमने कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, आप कह लें कि अपने आप कह लें अल्कोहल है, इस तरह के कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मतलब जो है कि ये हमारे पास आगे फॉर एग्जाम्पल ये उसने एक प्रोसेस दिखाया हुआ है कि बायोमास होता है, फिजिकल प्री ट्रीटमेंट करते हैं, फिर केमिकल प्री ट्रीटमेंट है उसमें सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम आगे हमारा जो कंपाउंड है सेलुलोज उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा एसिड डालते हैं, एंजाइम्स ऐड करते हैं, एंजाइम उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, फिर उसमें यीस्ट वगैरह ऐड करेंगे, फर्मेंटेशन होगी और अल्टीमेटली वो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अभी क्या समझ में आया बताएं जरा? सर, इसमें हमारे पास बायोमास है, उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे, प्री ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एसिडिक एंजाइम वगैरह ऐड करेंगे, फिर जो है इसमें हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ऐड करके उसकी जो है हम फर्मेंटेशन कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ, यानी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें ना कोई एंजाइम, बहुत डिफरेंट किस्म के एंजाइम होते हैं, ऐड करेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे ग्लूकोज के, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, जब सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे ना, ये डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया वगैरह के ये नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, कमर्शियली सिंथिसाइज बैक्टीरिया होते हैं, वो हम इसमें ऐड करते हैं, कोई यीस्ट कह लें, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके ना किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल्स के अंदर, मेथनॉल, एथनॉल, इस तरह की चीजों के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, बाकी थ्योरी थोड़ी बहुत आपने खुद ही पढ़ लेनी है, तो डायरेक्टली मैं इसके ना प्रोसेस की तरफ आता हूँ कि ये अगर आप इसको देखें, ये आपको हाँ, अब ये वीडियो है, ये वीडियो पहले आपने देखी है, अभी वीडियो देखी है पहले आपने? सर समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पहले जो वीडियो आपको नजर आ रही है देखी है आपने? नो सर। अच्छा चलिए, ये मैं आपके सामने मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने इस सारे प्रोसेस को देखना है
और बाद में मैंने वन बाई वन पूछना है इंडिविजुअल स्टूडेंट से कि भाई ये डिफरेंट स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है, सामने जरा गौर से देखना है, ठीक है बात अभी जी ठीक सर। है? यस सर। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई समझ में आई है? यस सर। अच्छा चले इसको मैं दोबारा एक दफा ना फिर आपके सामने मैं इसको ला दूँ। अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, फिर आपने बताना है। हाँ भाई ये अब पहला स्टेप देख ले, फिर मैं इंडिविजुअली खुद पूछूंगा कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देख ले। ग्राइंडिंग और मिलिंग। हाँ भाई ये रोल नंबर 45 है क्लास में। हेलो ये रोल नंबर 45 है क्लास में। अच्छा ये जी आर कौन है क्लास की? जी सर मैं हूँ। ये रोल नंबर 45 की आपने एब्सेंट लगा दी, जी सर। समझ आ रही है? ठीक है ये रोल नंबर 108 यस कौन है? रोल नंबर 108। यस सर। हाँ तो ये पहले स्टेप में क्या हुआ है अभी, क्या देखा है आपने? सर पहले स्टेप में ग्राइंडिंग हो रही है और मिलिंग हो रही है। अच्छा ग्राइंडिंग हो रही फिर है, हमने मतलब कोई भी बायोमास ले लेना है, जैसे कि वुड ले ली है तो उसकी ग्राइंडिंग हुई है। ठीक है उससे आगे क्या हुआ उससे आगे से प्री ट्रीटमेंट हुई है। है? हाँ ठीक है फिर प्री ट्रीटमेंट, ठीक है प्री इसमें ट्रीटमेंट ऐसे हुई है, प्री ट्रीट। इसमें हम इसमें लिग्निन और सेलुलोज और हेमिसेलुलोज इसकी डिस्ट्रक्शन होंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस ठीक है ठीक है। अब ये हो जाएगा ये, यस अब सर। हाँ इसको जरा गौर से देखना फिर मैं पूछता हूँ आपसे ये क्या है। हाँ भाई ये कौन बताएगा भाई ये क्या है? हाँ भाई ये क्लास में ये फायदा है क्लास में? हाँ जी सर। ये क्या आपने देखा कि इसमें क्या हुआ है, इस सर प्रोसेस के इसमें जो स्टेप के बायो अंदर क्या हुआ?
सर इस स्टेप में ये हुआ कि जो बायोमास है वो मतलब जो लिग्नन है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है वो डिफरेंट वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। हाँ ये नहीं वही बात है ना कि प्री ट्रीटमेंट वाली या प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा ना तो बेसिकली यही होगा ना उस बच्चे ने भी ठीक कहा कि इसमें आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगी डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और बिल्कुल एक्सपोज हो जाए ताकि कोई भी बैक्टीरिया है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई एंजाइम है ताकि वो इंडिविजुअल कंपोनेंट पर इजीली जाकर क्या कर सके एक्शन कर सके या जो भी मतलब उसके ऊपर एक्ट कर सके जो भी है। अच्छा चलें ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है मिसाल के तौर पर अब आगे देखना है इसे अगले स्टेप में क्या हो रहा है। हाँ इस स्टेप में जो है अभी इस स्टेप में क्या हो रहा है सर यहाँ पे जो सेलुलोज का मॉलिक्यूल ये रोल नंबर 20 है 020 जी सर। हाँ इस स्टेप में क्या हुआ अभी बताएं आप सर ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो रही थी इंजाइम्स की मौजूदगी जिसमें बीटा ग्लूकोसाइडेज था और दो और इंजाइम्स थे उनकी मौजूदगी में उनकी हाइड्रोलिसिस हो रही थी। हाँ ठीक है यानी वो कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं अब हमने इसमें सेलुलोज हेमी सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करनी है उससे क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस से हाँ सर वो जो सेलुलोज के जो डिफरेंट सेलुलोज की चेन है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उससे क्या बनेगा मतलब सब डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे स्मॉल पीसेस मसलन मसलन वो पेंटेज शुगर वगैरह। और भाई सिंपल आप गए सर सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे वही सर पेंटोज शुगर या फिर ग्लूकोज शुगर फ्रुक्टोज इस तरह। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ आपसे आप बात को समझने में बड़ा टाइम लगाते हैं बहरहाल चले भी अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है देखिए नहीं वैसे सॉरी 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 ठीक है ये हाइड्रोलिसिस हो रही है ठीक है ये हाइड्रोलिसिस यही है ना देखें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके नतीजे में क्या हो रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना जी सर। समझ आ रही है ना बात ठीक है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं ठीक है अच्छा अब इसमें आप देखते जाएं शाबाश ठीक अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देखें हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं ठीक है अब इस स्टेप में क्या हो रहा है ये देखना है आपने। हाँ भाई रोल नंबर 006 है क्लास में यस सर। हाँ ये क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है सर नेक्स्ट स्टेप में फर्मेंटेशन होनी है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाना है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। वेरी गुड ठीक है शाबाश ठीक है अब ये कैसे होता है ये थोड़ा सा आपने देखना है इसको है ये बड़े बड़े टावर होते हैं C5 C6 बेसिकली ना ये क्या है ये फर्मेंट्स है मींस के ये मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियली सिंथिसाइज आप एंजाइम कहते हैं। अब देखिए ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया है ठीक है और इस तरह से यानी वो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अच्छा ये अब ये क्या हो रहा है ये अब ये डिस्टिलेशन का टावर शो किया हुआ है इसके अंदर कूल वाटर आउट इन स्टोरेज टैंक ये क्या है ये थोड़ा मुझे बताएं आप ये स्टूडेंट जो है 85 रोल नंबर है क्लास में एटी फाइव रोल नंबर है क्लास में
यस सर। हाँ ये क्या हो रहा है भाई इस तरह? सर डिस्टिलेशन ये क्या होती है? सर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे सेपरेशन करना किसी किस भी किसकी किसकी से? मिसिबल लिक्विड्स की। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। इससे इससे क्या होगा? सर इससे जो भी हमारा जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल जो एथेनॉल है वो हमारे काम का प्रोडक्ट है, उसको भी हम हाँ सेपरेट कर सकते हैं बाकियों से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। इसमें बेटा सिंपल ये है, आप कंडेंस बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। इसमें बेसिकली ये है बेटा कि डिस्टिलेशन में सपोज आप देखें ना, ये जो C5 फर्मेंटेशन का टैंक है, ठीक है, अब इसमें बेसिकली यही है ना कि देखें आप, इसमें एथेनॉल भी है, इसमें मैथेनॉल भी है, वाटर भी है, डिफरेंट और भी केमिकल्स होंगे, एसिड वगैरह भी होगा। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सपोज आप इसको हीट करते हैं, अब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 या 7 डिग्री जितना भी है, आप इसे क्या करेंगे, इसको सपोज 78.7 डिग्री तक हीट करेंगे, तो ये एथेनॉल इसमें से इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, ये आगे ये कूलेंट होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर जो भी क्या है, ठंडा पानी होता है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर ये एथेनॉल के जो वेपर्स आगे आ रहे होते हैं ना, ये कंडेंस होकर ऑटोमेटिकली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इवेपोरेट करके यहाँ कंडेंस करते हैं, और यहाँ एल्कोहल या एथेनॉल इजीली कलेक्ट होता जाता है, यहाँ जमा होता जाता है। अब देखिए ये सारा प्रोसेस एक बार दोबारा देखें, ये प्री ट्रीटमेंट हो रही है शुरू में, ये फिजिकल प्री ट्रीटमेंट है पहले, फिर आप केमिकल प्री ट्रीटमेंट है, हाइड्रोलिसिस है, फिर फर्मेंटेशन है, और देखिए आपको प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें ना कोई हीट करने का चक्कर है, ना इसमें हमने कोई ऐसे बड़े बड़े कैटलिस्ट डालने होते हैं, ना कोई इसमें लंबी चौड़ी। तो देखिए इस टेक्निक के जरिए बायोमास को आसानी से अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि मेथनॉल है, एथनॉल है, ये सारी चीजें। और भाई ठीक है, यस सर, तो बात करने पड़ी है आपके, यस सर, चलो अल्लाह खैर ही करे। अब बेटा इसमें ना ये जो डायग्राम है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाकी तो देखें ऊपर जो स्लाइड्स है ना, ये ऊपर वाली ये एथेनॉल की प्रिपरेशन है, या इसमें जो कंडीशंस वगैरह हैं, ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ से तो पढ़नी पड़नी है, लेकिन इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको याद हो ना, मैंने लास्ट टाइम आपके ग्रुप के अंदर एक मैंने आपको एक छोटा सा 2 पेजेस का मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया था, याद है आपको? यस सर, हाँ, उसके अंदर ना ये डिफरेंट स्टेप्स को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट है, डिस्टिलेशन है, जो भी चीजें हैं, तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल है वो आपने वहां से याद करनी है, बाकी जो स्लाइड्स में जो मटेरियल है वो आपने यहां से याद करना है। ओके सर, क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ अब आप जो जी आ रहे हैं ना, आप बेटा जल्दी से अटेंडेंस लगाएं क्लास की, शाबाश, जल्दी करें। यस सर, 006 प्रेजेंट। अच्छा जिसकी अटेंडेंस होती, सुने सुने, जिसकी अटेंडेंस होती जा रही है वो क्लास से वो चला जाए, वो स्किप कर जाए। 009 010 प्रेजेंट। 017 मोहम्मद माविया प्रेजेंट। 020 शांता कवल प्रेजेंट। मरियम अब्दुल खालिक प्रेजेंट। रीच इसहाक प्रेजेंट। नहीं एक मिनट क्या, रुकिए, रिदा अमीन, ये अरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जी आर आर क्या नाम है क्लास के जी आर हैं, मिसबा, हाँ मिसबा, ठीक है, ये रोल नंबर, ये रीच इसहाक की अटेंडेंस नहीं लगा लिया आपने? जी सर, इसकी सर में थी जैसे वीडियो स्टार्ट, सर जैसे वीडियो स्टार्ट हुई है तो वो रुक गई थी, फिर मैंने यूट्यूब से यही वीडियो निकाली है और वहीं से देखी है, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद ही ऑन हुई है, आवाज भी नहीं आ रही थी उस वक्त मुझे। बात ये है कि हम ये बात की पूरी क्लास को आवाज आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही, आप दूसरी बात अब यूट्यूब पे जो भाग के चले सर, हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपने इसकी ऑप्शन लगाए और आप जो भी आप वो है ना अपना अटेंडेंस में इसकी ऑप्शन लगाए आगे चले, स्टॉप हो गई थी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। प्रेजेंट।
जिसमें आप जल्दी चाहिए आगे। फाखरा कुरैशी प्रेजेंट। मेहर फातिमा प्रेजेंट। अमजद हुसैन प्रेजेंट। सना अजमल प्रेजेंट। रीमा चौहान प्रेजेंट। अप्लाइड वालों के अटेंडर्स फाइजा राव प्रेजेंट। आयशा मुमताज। आयशा मुमताज। समन सलीम प्रेजेंट। मुकद्दस सफर। मुकद्दस सफर रोल नंबर 23 1123। आमना बतूल। इकरा खालिक। फरहान मुबीन। कामराज राम। ये जो स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस कॉल नहीं कर रहे ना, इनकी ऑप्शन लगा के और ये अटेंडेंस आप ग्रुप के अंदर भेजें, अभी जल्दी करें हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो अप्लाई किया आमना बतूल और इकरा खालिक है ना, इनका मैसेज आया था कि इनकी ना मदर, एक की दोनों कजन हैं आपस में, एक की मदर काफी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है, तो उन्होंने कहा था सिर्फ सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो आप इस वजह से वो नहीं ले सकी क्लास। जी सर। आप उनकी क्या लगती है, अम्मी लगती है आप उनकी? सर ने उन्होंने सिर्फ ये मैसेज दिया था कि सर को सिर्फ बता दें कि कुछ है इस तरह, इस वजह से नहीं ले सकी वो क्लास, तो सिर्फ सर को इन्फॉर्म कर दें। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी स्टूडेंट इस तरह का मैसेज देना, आपने मुझे नहीं देना मैसेज, मैं आपको बता दूं। ठीक है सर। ठीक। हाँ मेहरबानी करें। ठीक। ये जो जी हाँ ये स्टूडेंट है इस बार बेटा, ये जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है, ये एब्सेंट लगा के इनके नाम पे सर्कल लगा के अटेंडेंस अभी ग्रुप में भेज दिया। जी सर। अभी भेज। अल्लाह हाफिज़। सर ये जो प्री ट्रीटमेंट का आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ाया वो शेयर कर दीजिएगा, वहाँ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सा डॉक्यूमेंट बेटा? अच्छा हाँ वो वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट, वो मैंने आपके ग्रुप में नहीं भेजा हुआ? नो सर वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़।